Hello and welcome friends to this very important capsule on section 194R of Income Tax Act 1961. This section 194R was inserted by Finance Act 2022 and is going to be effective very soon from 1st of July 2022. Let's first go through the brief provisions of this section. जो 194R है इसमें डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर इज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और प्रोक्वाइज इट। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और प्रोक्वाइज इट। तो इस केस में डायरेक्टर वो कंपनी होगी या वो पर्सन होगा जो वो बेनिफिट दे रहा है। डायरेक्टर कौन होगा? कोई भी जो रेजिडेंट जो कि रिसिपिएंट है उस बेनिफिट और प्रोक्वाइज का वो डिडक्टिव होगा। एट व्हाट रेट द टैक्स शैल बी डिडक्टेड? इट शैल बी डिडक्टेड एट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और प्रोक्वाइज। इसमें वैल्यूएशन का देखेंगे कि वैल्यूएशन कैसे करना है, वो इट शैल कम लेटर ऑन। देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट आल्सो व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। इट इज 20,000 पर फाइनेंशियल ईयर। टिल दिस अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड देयर इज नो टीडीएस। What shall be timing of deduction of tax? It shall be before providing such benefit. So before providing such benefit, the deductor need to ensure that applicable tax has either been deducted or sufficient steps have been taken for the deposit of the tax. इसमें exceptions क्या हैं? Exception है जो individual है या कोई HUF है जिसकी business turnover 1 crore से ज़्यादा और professional receipts 50 lakh से ज़्यादा नहीं है पिछले साल में, उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। और इसमें काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशन से डाउट थे लोगों के माइंड में कि कैसे इसकी वैल्यूएशन होगी, कौन डायरेक्टर होगा, कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो परक्विजिट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के हाथ में जाते हैं जो कि किसी कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज़ होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी कैसे टैक्सेबिलिटी होगी। तो इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 12/2022 ऑन 16th of June 2022। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे डिटेल में इसके ऊपर गाइडलाइंस इशू की, क्लैरिफिकेशन इशू की। हमने आज के जो इस अपडेट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हमने डिवाइड किया है इन 15 सच फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसको हम वन बाय वन क्वेश्चन वाइज उसका आंसर समझेंगे, क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या उसके ऊपर हमें कंप्लायंस करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सच क्वेश्चन। The first such question is for deducting TDS, whether test of taxability under section 28(4) is required to be performed. क्या हमें देखना होगा कि जो वो receipt है या जो benefit या perquisite है वो recipient के हाथ में taxable है कि नहीं है। तो इस पे CBDT ने clearly बोला है कि it is not necessary for the payer deductor to check the taxability of the sum in the hands of the payee. तो इसमें क्लियर कट बोला हुआ है कि एज ए पेयर यू नीड नॉट सी वेदर इट इज टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, क्या है क्या नहीं है। इन केस यू आर पेइंग द बेनिफिट ऑफ प्रीक्विजिट यू आर सपोज टू कंप्लाई विद सेक्शन 194R एंड डिडक्ट द एप्रोप्रिएट टीडीएस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। सो ये क्लियर कट इसके अंदर गाइडेंस सीबीडीटी ने प्रोवाइड किया है। द सेकेंड क्वेश्चन विच कम्स इन माइंड इज हाउ टू डिडक्ट टीडीएस वेयर बेनिफिट इज ओनली इन काइंड और बेनिफिट इन कैश इज नॉट सफिशियंट टू डिस्चार्ज द टीडीएस लाइबिलिटी। सो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो हो सकता है कि मैंने कोई असेट सपोज गोल्ड कॉइन किसी को गिफ्ट कर दिया, सो गोल्ड कॉइन इज ए इन काइंड थिंग, तो मैं वो टीडीएस कैसे जमा कराऊँ, क्योंकि मैंने किसी को गोल्ड कॉइन दे दिया सपोज 50,000 rupees का, आई एम सपोज टू पे टीडीएस ऑफ 5,000 rupees, बट मेरे पास तो 5,000 मैं उससे डिडक्ट नहीं कर सकता, तो उस केस में मैं टीडीएस लाइबिलिटी डिस्चार्ज कैसे करूँगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उन्होंने बोला है कि बिफोर गिविंग दैट गोल्ड कॉइन टू दैट पर्सन द पेयर नीड टू इंश्योर कि जो एप्लीकेबल टैक्स है वो पे हो गया है। सो वो मेरी ड्यूटी है। अब वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वो कैसे इंश्योर करेगा कि टैक्स पे हो गया है। इस केस में वो बोलते हैं कि या तो दो ऑप्शन हैं, या तो जो रिसिपिएंट है वो जो टैक्स का कंपोनेंट है वो इन द शेप ऑफ एडवांस टैक्स पे कर दे, एडवांस टैक्स का चलान पेयर को शेयर कर दे, और जो एडवांस टैक्स के चलान के बेस पे वो अपने टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा, क्योंकि टीडीएस के रिटर्न के फॉर्म में भी सीबीडीटी ने अमेंडमेंट्स वगैरह लेके आए हैं जिसके थ्रू
वो जो एडवांस एक्सेल चलाना है उसके थ्रू भी वो TDSM कंप्लाई हो जाएगी। या एक तरीका है कि आप उसको ग्रोसअप कर लो, फिर सपोज 50,000 इज द वैल्यू, उसको ग्रोसअप करके आपने TDS अपने पॉकेट से पे कर दिया पेयर ने, तो इधर ऑफ द ऑप्शन आपको टैक्स की कंप्लायंस करनी है। द फोर्थ क्वेश्चन इज वेदर बेनिफिट्स और प्रोक्वाइजिट प्रोवाइडेड बिफोर 1st of July, बिकॉज द प्रोविजन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2022। सो उससे पहले अगर कोई बेनिफिट या प्रोक्वाइजिट हमने दे दिए हैं फाइनेंशियल ईयर में, सो उसका क्या होगा? तो इसमें सीबीटी ने बोला है कि क्योंकि ये जो 3 महीने हैं पहले अप्रैल टू जून के इस पीरियड को कवर नहीं कर सकते हैं, तो जो पहले दे दिया है उसके ऊपर कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट तो जो वैल्यू ऑफ 20,000 है, जो साल की एक लिमिट दी हुई है, थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है, उसके अंदर वो काउंट होगा। तो उसके लिए हमने 3-4 इसमें एग्जाम्पल्स बनाए हैं, लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज से रेजिडेंट को जो बेनिफिट की पेमेंट की है अप टू 30th of June 2020 इज 5,000 rupees, और 1st July से लेके उसने 18,000 की पेमेंट की है। तो इस केस में जो 5,000 है उसके ऊपर ऑब्वियसली देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट, बट जो बाद वाला जो अमाउंट है ऑफ 18,000 उसके ऊपर टैक्स काटना पड़ेगा। इन केस जो पेयर है उसको लगता है कि द अमाउंट ऑफ बेनिफिट इज गोइंग टू एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, इन दैट केस उसको डिफरेंशियल पे टैक्स काटना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि द वर्डिंग यूज्ड इज एक्सीड्स और लाइकली टू एक्सीड। तो इन केस उसको लगता है कि जिस टाइप का उनका अरेंजमेंट है विद द बेनिफिट रिसिपिएंट, दैट इज सच दैट अमाउंट इज गोइंग टू क्रॉस 20,000, देन ही नीड टू स्टार्ट कलेक्टिंग TDS ऑन दैट अमाउंट। सेकेंड क्वेश्चन कम्स इज कि बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अप टू 30th of June इज 25,000, इट इज मोर देन द लिमिट, एंड बेनिफिट प्रोवाइडेड आफ्टर 1st July इज 60,000 rupees। इस केस में 25,000 के ऊपर ऑब्वियसली टैक्स 30 जून तक था नहीं, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट TDS, बट जो बाद वाला 60,000 का पोर्शन है उसके पूरे अमाउंट के ऊपर आपको TDS काटना पड़ेगा। द थर्ड क्वेश्चन इज से बेनिफिट प्रोवाइडेड अप टू 30th June इज 6,000 rupees, एंड पोस्ट दैट देर इज नो बेनिफिट गिवन। तो इन दिस केस कोई TDS की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि दो 20,000 लिमिट हैज बीन ब्रीच्ड, बट पोस्ट 30th June देर इज नो बेनिफिट गिवन, हैंस देर इज नो TDS। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट। सो अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें आपको देखना ही नहीं है कि उसके हाथ में टैक्सेबल है नहीं है, कैपिटल असेट है, रिवेन्यू असेट है, क्या है, that is not going to be checked by the payer. It is only whether a certain asset or certain benefit is flowing from him to the recipient or not. In case that is there, like in some cases laptops are given or say motor vehicle is given, so all those cases will also fall in this and TDS need to be deducted on the same. The next question is whether TDS is required to be deducted on sales discount, cash discount and rebates given to customers. तो इसके ऊपर भी काफी queries थी, जो दो the section की interpretation से clear होता था कि इन चीजों के ऊपर apply नहीं होगा, because they are reflected in monetary terms and the recipient also account for them in the books. So there is no question of any TDS per se, but CBDT has now clearly clarified that all these kind of credit notes, discounts, etc. between the buyer and the seller are not a perquisite, and thus there is no requirement of TDS. Similarly, like buy one get one free, because buy one get one free schemes also, the free product is not free essentially. It is the composite supply wherein two products are given at the price of one. So there is no requirement of TDS. However, CBDT has clarified that not all transactions would be out of the scope of TDS, only the specified like which we have discussed, the discounts and everything will be covered, but free samples given by sellers, they would be covered. Then incentive in the form of car, TV, computer, gold coins, overseas trips, etc., they all shall be covered. Free ticket for an event, hotel stays and medicines given, generally we see in case of medical practitioners, the pharma companies do give them medicine supplies free of cost. So all these shall be covered under TDS. Then the next question comes whether benefits are provided to employees of the recipient entity in whose name TDS should be deducted. So the question is basically,
आई एम गिविंग द बेनिफिट ऑफ से एक्स कंपनी, हाउ एवर दैट बेनिफिट इज गोइंग टू द एम्प्लॉइज ऑफ दैट रिसिपिएंट एंटिटी. तो हाउ टी डी शिल बी डिडक्टेड एंड हूज नेम टी डी शिल बी डिडक्टेड. सो द सीबीटी हैज क्लैरिफाइड कि इन ऑल सच केसेज we need to deduct the TDS in the name of recipient entity itself, because from the payer's point of view, he is dealing with the recipient entity, though the benefit is being enjoyed by his employees, directors, etc. But at the first place, the recipient entity is the taxable entity. So the payer is going to deduct the TDS of the recipient entity itself. Post that, the recipient entity need to see whether it need to deduct subsequent TDS of that particular employee, considering that benefit which has been given as perquisite in his hands, and accordingly in case of director also. So that treatment shall be secondary treatment. But at the first place, the 194R provision shall be applicable, and the TDS shall be deducted of the recipient entity's name only. The next question is where TDS benefits, the same question which we discussed, ki once the TDS under section 194R has been deducted in the hands of employer, then the employer need to see how whether that benefit which has been given constitutes a income in the hands of employee under section 17, and accordingly the TDS on salary has to be deducted. So the next question is whether threshold for deduction of TDS will be considered in respect of each employee. No, that can't happen, because the benefits are being given to the recipient entity, and entity as a whole need to be seen for the threshold limit of 20,000 rupees. The next question is whether treatment shall be the same where benefit is provided to a particular person as a consultant but not as an employee. So कंसल्टेंट के केस में क्या होगा कि थोड़ी सी यूनिक पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉई इज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी बट कंसल्टेंट इज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल. सो इन केस दैट कंसल्टेंट इज एक्टिंग एज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एंड इज रिसीविंग सर्टेन थिंग्स, देन ही कैन बी कंसीडर्ड एज अ रिसिपिएंट एंटिटी डायरेक्टली बाय द पेयर, एंड टीडीएस कैन बी डिडक्टेड इन हिज हैंड्स डायरेक्टली. सो इसमें वैल्यूएशन कैसे होगा? तो सीबीडीटी ने क्लियरली इसके अंदर प्रिस्क्राइब किया है कि जो गुड्स हैं या जो बेनिफिट है, अगर वो परचेज हुए हैं बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द रिसिपिएंट, तो जो परचेज प्राइस है दैट शैल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. एंड इन केस उसने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं, तो जो प्राइस वो अपने कस्टमर से चार्ज करता है फॉर दोज प्रोडक्ट्स, दोज बेनिफिट्स, वो उसका वैल्यू ट्रीट किया जाएगा. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार क्वेरी आती है कि जीएसटी जो है वो इंक्लूड किया जाएगा कि वैल्यू, उसमें क्लियरली सीबीडीटी ने मना किया है कि जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R. तो इसलिए जो कॉस्ट अमाउंट है, जो बेस वैल्यू है, उसी के ऊपर रिक्विजिट काउंट होगा, जीएसटी के अमाउंट के ऊपर रिक्विजिट काउंट नहीं होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है कि काफी बार जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको काफी बार एडवर्टीजमेंट वगैरह करने के लिए या रिकमेंडेशन देने के लिए प्रोडक्ट्स, सैंपल प्रोडक्ट भेजे जाते हैं. सो इन केस वो सैंपल प्रोडक्ट भेजे गए हैं और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने रिटेन कर लिए हैं, यूज कर लिए हैं, उस केस में परक्विजिट बन जाएंगे. बट इन केस पोस्ट दैट एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया थिंग, दोज प्रोडक्ट्स आर रिटर्न बैक टू द कंपनी, इन दैट केस देर विल नॉट बी एनी परक्विजिट. एक क्वेश्चन आता है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं, उसके ऊपर 194R अप्लाई होगा क्या? इसमें सीबीडीटी ने काफी क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर जो वो एक्सपेंडिचर है, इट वाज द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, द पेयर कंपनी द फर्स्ट प्लेस, तो उसको नहीं माना जाएगा, एज ए परक्विजिट नहीं माना जाएगा. बट इन केस वो जो बेनिफिट है वो लायबिलिटी नहीं है और फिर भी उसने उसको रिएम्बर्स किया या इनकर किया, उस केस में वो परक्विजिट माना जाएगा. अब एक क्वेश्चन आता है कि जो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस और इवेंट,
फूड डीलर्स के लिए जो इवेंट होते हैं बड़े बड़े, तो उनपे बेनिफिट कैसे काउंट होगा? तो इसमें सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है, काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे इस टाइप के इवेंट्स करने पड़ते हैं कंपनी के एज पर बिजनेस नेसेसिटीज, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई डिस्कशन करना है कि प्रोडक्ट्स को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, डीलर से ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए इस टाइप से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, सेल्स की टेक्निक सिखाने के लिए, या कोई डीलर्स कस्टमर्स की कोई ग्रीवेंसीज हैं, कोई क्वेरीज हैं उनको रिड्रेस करने के लिए, या अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए, इस टाइप की अगर होते हैं तो उस केस में ये बिल्कुल बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और वो अलाउड है, उस केस में कोई प्रोक्योरमेंट नहीं बनेगा। बट इसके अंदर एक राइडर है कि वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ इंसेंटिव, कि कुछ सिलेक्टेड डीलर्स हैं कि जिन्होंने कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट की है या कोई टारगेट फुलफिल किया है उनके लिए वो पर्टिकुलरली अरेंज की हुई है कॉन्फ्रेंस। इट शुड बी जनरल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर वो टारगेट के इंसेंटिव के रूप में अगर उसको कॉन्फ्रेंस में इन्विटेशन मिला है तो वो एक इंसेंटिव प्रक्रिया ट्रीट होगा। और इसमें ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि किन किन सिनारियोज में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, जैसे कि कोई लेजर ट्रिप है और दो दो एक मेन कॉन्फ्रेंस है बट उसमें एक सर्टेन पार्ट इज देयर जहाँ पे थोड़ा सा घूमना फिरना या अपार्ट फ्रॉम वर्क कुछ पार्ट उसमें ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उस कंपोनेंट को परपोजिट मान लिया जाएगा, या उनके फैमिली मेंबर्स भी अकंपनी कर रहे हैं इस टाइप की मीट में उसको परपोजिट मान लिया जाएगा, या मान लो कोई जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस है दैट इज शेड्यूल्ड फॉर से 27th of June बट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 26th को आ गए हैं या 28th तक स्टे बैक कर रहे हैं, तो उस केस में जो एडिशनल डेज हैं अपार्ट फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस उसको भी एज ए प्रोजेक्ट मान लिया जाएगा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया है 184R में, और ये नया सेक्शन है इसके अंदर। इसके बाद भी देर कैन बी मैनी इंटरप्रिटेशन रिलेटेड और प्रैक्टिकल चैलेंजेस दिस कैन क्रॉप अप, सो कोई भी इस टाइप की अगर आपके मन में डाउट्स या क्वेरीज आते हैं यू आर फ्री टू कमेंट एंड वी शेल ट्राई टू रिप्लाई देम बैक एंड गिव आवर व्यूज ऑन दैट टू द बेस्ट ऑफ आवर पॉसिबिलिटीज। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर नॉलेज कैप्सूल्स। थैंक यू।